नेटफ्लिक्स की ये नई कोरियन स्ट्रेंजर थिंग्स आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। नेटफ्लिक्स की ये नई सीरीज आपको स्ट्रेंजर थिंग्स की याद जरूर दिला देगी। मैं बात कर रहा हूँ एक नई कोरियन सीरीज के बारे में जो अभी नेटफ्लिक्स पर आई है। इसका सेकंड पार्ट अब आया है, इसका फर्स्ट पार्ट आ गया था 25 जनवरी को, जिसका नाम है ग्योन स्योंग क्रीचर। अब आप सोच रहे होंगे इस सीरीज का नाम का मतलब क्या हुआ, ग्योन स्योंग क्रीचर। तो ये सीरीज सेट है 1945 के कोरिया में, जहां पर जापान का रूल चल रहा था, और रूल क्या बोलूं भाई, ऑपरेशन चल रहा था जापान का कोरिया के ऊपर। क्योंकि आपको पता ही है उस समय पर जापान, ब्रिटेन और इटली इन सभी का एलाइज चल रही थी और वर्ल्ड वॉर 2 होने वाली थी। तो उसके बैकड्रॉप में इस सीरीज की स्टोरी को सेट करा गया है, जो बहुत ही बढ़िया है। अब ग्योन स्योंग जो है वो हमारा ओल्ड सियोल है। सियोल का पुराना नाम ग्योन स्योंग है, एंड वहां पर हमारा जो मेन लीड होता है वो एक पॉन शॉप चलाता है, बहुत ही वेल्दी बिजनेसमैन होता है, एंड उसका सिर्फ एक ही गोल होता है लाइफ में कि मुझे बहुत ज्यादा पैसे कमाने हैं। एंड हमारी जो मेन लीड होती है वो एक जासूस का स्पाई का कैरेक्टर प्ले करती है, जो अपने पापा के साथ मिलकर उन लोगों को ढूंढती है जिनके ऊपर जापानीज सरकार ने या तो जुल्म किया होता है और उनको कहीं फेंक दिया होता है या उनको कहीं छुपा दिया होता है। उन लोगों को ढूंढने का काम हमारी मेन लीड करती है। अब ये दोनों कैसे मिलते हैं और इनका एक क्रीचर के साथ क्या कनेक्शन है, ये आपको सीरीज देखने के बाद पता चलेगा। एंड भाई सही बता रहा हूँ आपको, इसको बिल्कुल मिस मत करना, आपको बहुत 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 ज्यादा पसंद आने वाली है ये। तो इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है, ओल्ड सियोल में यानी कि ग्योन स्योंग में जापान का रूल होता है, एंड वहां पर एक हॉस्पिटल होता है, एंड उस हॉस्पिटल के बेसमेंट में जो जापानीज साइंटिस्ट होते हैं, जापानीज डॉक्टर्स होते हैं, कोरिया के लोगों के ऊपर कुछ बहुत ही ज्यादा इनह्यूमेन एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। मानते हैं कि इन लोगों की लाइफ का कोई ज्यादा मूल्य नहीं है, इनके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अब वो एक्सपेरिमेंट करते करते कुछ ऐसा वायरस इजाद कर देते हैं जो उनके कंट्रोल के बाहर होता है, उनको समझ ही नहीं आता कि अब हमें करना क्या है, एंड उससे एक बहुत ही भयानक क्रीचर निकलता है। अब उस क्रीचर को रोकने के लिए बहुत चीजें करते हैं लेकिन कुछ होता नहीं है। एंड कैसे ये क्रीचर, कैसे जापानीज गवर्नमेंट, कैसे वो पॉन शॉप का मालिक, कैसे वो जासूस एक साथ मिलते हैं, ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एंड इसको बहुत ज्यादा एलिवेट कर देती है मेन लीड की और जितने भी कैरेक्टर्स है ना उन सभी की एक्टिंग परफॉर्मेंसेस। भाई बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्टिंग परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलती है सभी कैरेक्टर्स की तरफ से। आपको एक मोमेंट के लिए भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये लोग स्क्रीन पर एक्टिंग कर रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, इस सीरीज में एक जापानी साइंटिस्ट का रोल जिन्होंने प्ले करा है, भाई वो इतने कन्विंसिंग थे अपनी परफॉर्मेंस में, उनका कैरेक्टर सही बताऊं तो मुझे थोड़ा सा वीक लगा, क्योंकि उनकी बस एक ही इंटेंशन थी, एक ही मोटिवेशन था कि मेरे को तो भाई एक्सपेरिमेंट करना है, कुछ भी हो जाए मुझे तो बस एक्सपेरिमेंट करना है। लेकिन उन्होंने जो परफॉर्मेंस डिलीवर करी है ना, प्योरली बिलीवेबल लगेगी। जिस कन्विक्शन के साथ उस चीज को वो प्ले करते हैं ना स्क्रीन के ऊपर, आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है उनको देखकर। एंड हमारे जो दोनों मेन लीड भी है ना, उनको देखकर भी आपको ये नहीं लगेगा कि उनके बीच में केमिस्ट्री बहुत ऑकवर्ड लग रही है। ये लव स्टोरी वाला एंगल ना बहुत फोर्सफुल था, शुरुआत में आपको लगेगा यार ये इतना फोर्सफुल क्यों लग रहा है, जैसे हर कोरियन ड्रामा में होता है कि लव स्टोरी का एंगल जो उसको बहुत ज्यादा इंसर्ट करा जाता है, ऐसे ही घुसा दिया जाता है कि यार लव स्टोरी भी घुसा दो इसमें। लेकिन इसमें जब धीरे 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 चीजें बिल्डअप होती है तो वो आपको बहुत बिलीवेबल लगेगा। एंड बिलीवेबल से एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस सीरीज के VFX और जो क्रीचर का लुक दिया गया है ना, बहुत ही ज्यादा बिलीवेबल लगता है यार। कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता, कुछ कुछ जगह पर लगता है कि हाँ यहाँ पर थोड़े से वीक हो गए VFX, लेकिन भाई कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता कि VFX की क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज करा गया है। एंड इस सीरीज की ना आपको ओवरऑल सेटिंग बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ये 1945 के कोरिया में सेट है। उस समय पर कोरिया के ऊपर जापान का रूल था, तो जापान की आर्मी वहां पर कैसे रहती थी, कोरिया का एनवायरनमेंट कैसा था, वहां के लोग बहुत गरीब थे तो वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। उस समय पर लोगों का कैसा पहनावा होता होगा, लोग कैसी जिंदगी जीते होंगे एंड क्या क्या प्रॉब्लम्स वो लोग फेस करते थे, वो सब आपको देखने के लिए मिलेगा। शो की जो ओवरऑल सेटिंग है ना, बहुत ज्यादा माइन्यूट डिटेल के साथ काम करा गया है। फर्स्ट एपिसोड से लेकर 10th एपिसोड तक पूरे तरीके से इस शो के साथ इन्वेस्टेड रहोगे। आपको ये लगेगा कि यार मैं कुछ बहुत ही अलग देख रहा हूँ, अभी रिसेंट टाइम्स में मैंने स्ट्रेंजर थिंग्स के अलावा ऐसा शो नहीं देखा है। स्ट्रेंजर थिंग्स के अंदर भी कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स को लेकर उनको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके स्टोरी में डालने की कोशिश करी जाती है, इसके अंदर भी वही होता है। वर्ल्ड वॉर 2 के इवेंट्स को, कोरिया की इंडिपेंडेंस को इस स्टोरी के साथ अटैच करा जाता है, जो बिलीवेबल लगता है। लगता है कि हाँ ऐसा कुछ शायद हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर रियल लाइफ फोटोज और वीडियोस का भी इस्तेमाल किया जाता है। 1945 में शायद कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए थे कोरियन लोगों के ऊपर, और मैं इसको सिर्फ और सिर्फ एक फिक्शनल स्टोरी की तरह ही ट्रीट कर रहा हूँ, जो कि ये है भी। सीरीज के थोड़े से लेटर हाफ में आकर, 9th और 10th एपिसोड में आकर, सीरीज अपना थोड़ा सा सेंस खोने लगती है। आप खुद भी कहने लगो कि यार ये नहीं हो सकता, ये कैसे बच सकता है यार, नहीं यार ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये तो बच ही नहीं सकता। लेकिन फिर वही टिपिकल एक जो फिक्शनल वर्ल्ड होता है उसकी चीजें हमारे सामने आने लगती हैं। एक समय के बाद तो यार मैंने अपने आप को
पूरा छोड़ दिया था कि भाई तुम जो दिखा रहे हो ना मेरे को दिखाओ, मैं सब मान लूंगा, यहाँ भाई ये भी सही है और वो भी सही है। एक समय के बाद मैंने क्वेश्चन करना भी बंद कर दिया था, तुम जहाँ इसको ले जाना चाहते हो ले जाओ। और हाँ देखो, सीरीज आपका थोड़ा पेशेंस तो टेस्ट करेगी, क्योंकि यार आजकल हमारे अटेंशन स्पैन बहुत ही ज्यादा फक हो चुके हैं। अगर हमें एक थोड़ी सी स्लो सीरीज या मूवी देखने के लिए मिलती है तो हम उसको भाई डिसरिगार्ड कर देते हैं। हम तो ये कहते हैं कि यार ये तो बहुत ही स्लो है, ये तो यार कुछ ज्यादा ही स्लो बना दिया, क्योंकि हमारे अटेंशन स्पैन इतने खराब हो चुके हैं। थोड़ा सा आपको ये टेस्ट करेगी, लेकिन भाई मेरी बात मानना, इसको बिल्कुल मिस मत करना, आपको बहुत 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 ज्यादा मजा आने वाला है। अगर अभी भी आप कन्विंस नहीं हुए कि आप इसको देखना चाहते हो या नहीं, तो मैं आपको 3 रीजन देता हूं, एंड उसके बाद तुम्हारे ऊपर है, तो मैं कन्विंस होना या नहीं होना भाई तुम्हारा टाइम है, मैं कुछ नहीं कर सकता। नंबर 1, जो इसकी स्टोरी है ना वो आपको बहुत ही बढ़िया लगेगी, एंड जिस एनवायरमेंट में इसको सेट करा गया है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स का लिंक हुआ है, बहुत बढ़िया लगेगा आपको। दूसरा, VFX और एक्टिंग परफॉर्मेंसेस, दोनों ही डिपार्टमेंट में ना आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये चीज वीक हो गई, बिल्कुल भी नहीं भाई, दोनों डिपार्टमेंट्स में बहुत ही ज्यादा मेहनत करी गई है एंड वो दिखती है। एंड थर्ड रीजन, भाई बहुत यूनिक स्टोरी है, ये कोई ज़ॉम्बी स्टोरी नहीं है। कोरिया की ओर से हम बहुत ज्यादा ज़ॉम्बी स्टोरीज देख चुके हैं, तो अभी तक अगर इसको मिस्टेक कर रहे थे कि क्या ये एक ज़ॉम्बी क्रीचर के बारे में होने वाली है, तो नहीं, जो क्रीचर हमें इस सीरीज के अंदर दिखाया जाता है उसके अंदर माइंड भी होता है, वो चीजों को समझ सकता है, वो सही और गलत में फर्क कर सकता है, जो थोड़ा बिलीवेबल भी है और थोड़ा नहीं भी। ये आपकी एक एवरेज ज़ॉम्बी क्रीचर शो इस टाइप की सीरीज नहीं है। तो भाई नेटफ्लिक्स की इस न्यू कोरियन स्ट्रेंजर थिंग्स को जरूर चेकआउट करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज लाइक करना, और ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब, और अगर आप हो गए हम कहां का रिव्यू देखना चाहते हो तो इस वाली वीडियो पर क्लिक करो। मिलते हैं एक और वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।